दीन इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार ने खिदमत आपकी दहलीज पर जैसे मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये सोच है सोहने पंजाब को महकाने की, अच्छे और साफ सुथरे माहौल को आवाम की दहलीज पर पहुँचाने की, जिसके तहत शहर लाहौर की गलियों और सड़कों की सफाई, निकासी आब और सरकारी इमारात की सफाई सुथराई की जाएगी। इस सिलसिले में 3 हफ्तों पर मुश्तमिल एक जामे प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। हफ्ता सफाई का कामयाबी से आगाज किया जा चुका है, जिसमें ना सिर्फ कूड़ा करकट और गंदगी और फुजला की निशानदेही करके इसको हटाया जा रहा है, बल्कि शहराओं के अतराफ से मलबा और तामीराती मटेरियल को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। दीवारों से वॉल चौकिंग, दरख्तों, बिजली के खंभों से बैनर्स और स्टीमर्स भी उतारे जाने के साथ साथ फॉल्स स्ट्रीट लाइट्स को मुरम्मत और तब्दील भी किया जा रहा है, ताकि हर दरो दीवार रोशन हो। इस प्रोग्राम को इसके मकासद की असल रूह के साथ हासिल करने के लिए कारकर्दगी ऐप और खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से ऐप तैयार कर ली गई हैं, जिन्हें शहरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शहरियों के फीडबैक को निहायत बुनियादी अहमियत हासिल है, ताकि कारकर्दगी के लिहाज से इजला की दर्जा बंदी करने के बाद जजा और सजा का तायुन भी हो सके, क्योंकि सहूलत आवाम के लिए है तो फैसला भी आवाम की राय से होगा। इस सारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सफाई है और अमली तौर पर भी इसका ताल्लुक सेहत और पुरसकून जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हुकूमत पंजाब ने इसका आगाज कर दिया है, अवाम भी अपने हिस्से का किरदार अदा करें और सफाई की इस मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये सोच है अच्छे और साफ सुथरे माहौल को अवाम की दहलीज पर पहुँचाने की।